सो गाइज माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रसल स्ट्रोक। तो गाइज हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग एक बार फिर से इस साल के क्राउन जूल 2021 में मैच रसल करने वाले हैं। तो गाइज उनके ये मैचेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए साल वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि गाइज अगर आपने मंडे नाइट रॉ को फॉलो किया होगा या अगर आप WWE के करंट व्यूअर्स होंगे तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं। ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो चुका है कि इस साल के क्राउन जूल 2021 में हमें एक खास स्टिपुलेशन के साथ हमें नो होल्ड्स बार्ड मैच देखने को मिलने वाला है। हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग वर्सेस ऑलमाइटी WWE चैंपियन, नहीं बल्कि फॉर्मर WWE चैंपियन बॉबी लेस्ली के बीच में। यानी कि गाइज इस साल के क्राउन जूल 2021 में जो कि हमें सऊदी अरब में देखने को मिलने वाला है, बॉबी लेस्ली वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइज इस मैच में WWE ने एक स्टिपुलेशन को ऐड कर दिया है कि ये मैच हमें नो होल्ड्स बार्ड मैच देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप अगर आपने स्टिपुलेशन को देखा होगा, नो होल्ड्स बार्ड मैच का मतलब ये होता है कि इस मैच में कोई भी आके कभी भी किसी का भी सपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हॉट बिजनेस के भी जितने मेंबर हैं वो आके सपोर्ट कर सकते हैं बॉबी लेस्ली को। यानी कि गाइज कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि इस मैच में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। कोई भी मतलब आगे कोई अगर अटैक करता है गोल्डबर्ग पे तो वो मैच जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन से एंड नहीं होगा। लेकिन बाकी गाइज हमें देखना होगा कि जो इस साल के क्राउन जूल 2021 में हमें नो होल्ड्स बार्ड मैच देखने को मिलने वाला है हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच में, ये मैच कैसा होता है। लेकिन गाइज एब्सोल्युटली ये मैच हमें काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। मुझे जहां तक लगता है कि इस मैच को और कहीं नहीं बल्कि हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग जीत सकते हैं और वो हराएंगे बॉबी लेस्ली को। बाकी लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि इस मैच का कुछ इस प्रकार से हमें रिजल्ट देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन ये मैच अब ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो चुका है। तो फाइनली बाय बाय फ्रेंड्स।